Una, hey, don't take video, please. No, it's just going on the road. सबसे पहली चीज तो ये फैमिली के साथ में यहाँ पे आने की मुझे तो जगह लग नहीं रही है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये सामने है नाना BTS और इसी से आप आओगे एग्जिट लेने के बाद। यहाँ पे एक जस्ट सामने रेड लाइट आती है, स्ट्रीट लाइट है वो, तो वहाँ से आपको लेना है हल्का सा लेफ्ट, और लेफ्ट लेने के बाद ही वहीं पे है आपका नाना प्लाज़ा। तो आई वुड जस्ट ट्राई टू शो यू कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि ये स्टेशन पाने के बाद में जहाँ पे मुझे जाना था तो ये रास्ते में ही पड़ता है, तो आई थॉट ऑफ कि मैं आपको इस चीज़ भी दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे नाइट का जो ट्रैफिक है ना, आप देख के हिल जाओगे भाई, बहुत ज़बरदस्त रहता है। जो नाना करके यहाँ का BTS है, तो वहाँ से जैसे हम आए तो ये वाली रेड लाइट जो मिलती है, यहाँ से आप लीजिए लेफ्ट, और बस आप देख जाइए। मैं कुछ म्यूजिक लगा देता हूँ, मैं कोई कमेंट्री तो नहीं करूँगा। समझ रहे हो आप? नहीं आ रही होगी, तो ये है भाई यहाँ का नाना प्लाजा। पहली चीज़ तो ये फैमिली के साथ में यहाँ पे आने की मुझे तो जगह लग नहीं रही है। Thank you.
जब भी जीती। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग जो घूमने के लिए आते हैं तो उनमें से 80-90% तो ऐसे होते हैं जो अपना एंजॉय पार्टी वगैरह पसंद करते हैं। क्या बढ़िया था उनके लिए, तो बेहतरीन जगह है नाना प्लाजा और पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट। ये नाना प्लाजा के नाम से ही फेमस है। और अगर आपको इंडिया के साथ साथ दुनिया जहाँ की अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है, मैं ये तो नहीं कहता ये वाली वीडियो अच्छी है, बट मेरा काम है आपको खाली जहाँ पे भी मैं जाता हूँ जो चीज़ें मुझे दिखती हैं बस उनको रिकॉर्ड करना और आप लोगों के साथ में शेयर करना।